सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी स्थलों को बारी बारी से इस चैनल पर कवर किया जा रहा है। इसी क्रम में मांडा नामक स्थल जो जम्मू कश्मीर में है उसको कवर करते हैं। जम्मू कश्मीर का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तर में जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी साइट्स मिली हैं उनमें सबसे उत्तरी है मांडा है। मांडा स्थल कहाँ पर है? ये कहाँ पर है वर्तमान में? केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का वर्तमान में ये हिस्सा है। मांडा किस नदी के तट पर है? जिस नदी के तट पर ये बसा हुआ है मांडा स्थान वो कौन सी है? चिनाब नदी। ये एक मांडा एक गांव है अखनूर जिले का, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले का। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? पुराने टाइम में चिनाब नदी को जाना जाता था आस्किनी नाम से। आस्किनी और चुनाव, चुनाव और आस्के आस्की, ये दोनों ही चीज़ बड़ी लगाव वाली है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट करके आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। मांडा की खुदाई, मांडा की खुदाई यानी खोज किस वर्ष हुई थी? मांडा जो स्थल है उसकी खुदाई किस साल हुई थी, खोज किस साल हुई थी? 1976-77 में। और इसकी खोज, इसकी खुदाई का श्रेय, इसके उत्खनन का श्रेय किसको जाता है? जेपी जोशी को। मांडा के किस समय काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मांडा नामक स्थल से किस समय काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हालांकि इसका जो समय काल है यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, ये तो मैंने सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता से संबंधित समय काल है ये। सिंधु सभ्यता से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार, C14 मेथड के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है यही बताया गया है। सिंधु सभ्यता का असली नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में दयाराम सानी के द्वारा सबसे पहले। और ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है, इस कारण से इस ऐसी सभ्यता जिसके लिखित साक्ष्य नहीं पढ़े गए हों उसका नाम सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर होता है, इसी कारण इसका हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम है। तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड रहा है, लेकिन वास्तव में इस स्थान से, मांडा स्थान से कौन से टाइम पीरियड के? कुषाण वंश तक के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा पूर्व काल से यानी 4000 BC से लेकर 2 या 3 ईसा पूर्व तक के साक्ष्य, 200-300 ईसा पूर्व, 200 ईस्वी तक के साक्ष्य मिले हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मांडा स्थल की खुदाई किन के नेतृत्व में की गई थी? इस स्थान की खुदाई की गई थी जेपी जोशी के नेतृत्व में, इनका नाम जुड़ा हुआ है इस स्थल की खुदाई से संबंधित। मांडा जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? ये पॉइंट याद रखें, अखनूर जिले में है। जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में है? अखनूर भी एक बहुत ही, ये भी इस सभ्यता के, हालांकि बाद में यहाँ पर भी बसावट हुई थी मांडा से छोड़कर, हड़प्पा के लोग यहाँ पर भी थोड़े बहुत साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं कई सभ्यताओं के अखनूर शहर से। मांडा किस पर्वत श्रेणी की तलहटी में है? कौन सी पर्वत श्रेणी की तलहटी में है? पीर पंजाल श्रेणी की तलहटी में है। जम्मू कश्मीर से 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है ये मांडा। और भी इम्पोर्टेंट पर्सन है इससे संबंधित, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए एक पर्सन भी हैं, उससे पहले और मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ किस तरह से। लगभग सभी सिंधु स्थलों से संबंधित वीडियोज इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। कालीबंगा से संबंधित टॉप 28 पर्सनों का वीडियो अपलोड हो चुका है। कालीबंगा राजस्थान में है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। राजस्थान में जितने भी स्थल पाए गए उनमें सबसे प्रमुख है। सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में पाए गए हैं, गुजरात के सभी स्थल मैंने कवर कर लिए हैं। धोलावीरा, लोथल, बनावली, बनावली हरियाणा में है, इनसे संबंधित टॉप 46%, 30%, 25%, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी इन वीडियोज़ में शामिल किए हैं मैंने, ये वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। दैमाबाद, रोपड़, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल था, रंगपुर गुजरात इसको भी कवर कर लिया है, दैमाबाद को भी कवर कर लिया है, दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था। और भी धीरे धीरे सभी क्वेश्चन पाकिस्तान के स्थल और रह गए वो भी और कवर कर दिए जाएंगे, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, सूतका गैंड और ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा के उत्खनन से किन किन संस्कृतियों के प्रमाण 3 सत्रों में मिले हैं? तो किन किन संस्कृतियों के? पूर्व हड़प्पा से लेकर कुषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, यानी लगभग 3700 सालों के साक्ष्य यहाँ से तीन परतों में मिले हैं। 3500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा ईस्वी तक
के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, कुषाण काल के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, पुरोड़प्पा काल के भी, बौद्ध बहुत सारे बौद्ध स्तूप वगैरह यहाँ से मिले हैं बौद्ध काल के। मांडा के उत्खनन से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा से संबंधित जो भी खुदाई में मिले हैं हड़प्पा काल से संबंधित वो देखते हैं। मलबे के ढेर में एक गिरी हुई दीवार के प्रमाण मिले हैं, मलबे के ढेर में गिरी हुई दीवार थी एक। ताम्र पिन मिली है, वो कील भी हो सकती है पिन भी हो सकती है, ये 125 सेंटीमीटर की थी। ऐसी पश्चिमी एशिया के में वहाँ से मिले हैं इस तरह के कील वगैरह के साक्ष्य, कील या पिन के 125 सेंटीमीटर लंबी। तो इससे साबित हो जाता है कि पश्चिमी एशिया के साथ भी इन लोगों के काफ़ी अच्छे संबंध थे। हड्डियों के वाणागर यहाँ से मिले हैं, आधार के साथ आधार भी मिला है उनका वाणागरों का। वाणागर होता है बाण के आगे का हिस्सा, जैसे ये कोई तीर है पूरा तीर है उसके आगे का हिस्सा जो होगा, आगे का हिस्सा जो ये जो हिस्सा होता है इसको वाणागर बोलते हैं। ये भी यहाँ से मिला है। चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ बहुत सारे स्थलों से लगभग मिली हैं। ब्लेड मिला है यहाँ से और अर्धनिर्मित मोर मिली है एक, और चक्कियाँ व मुसल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनका प्रयोग आटा पीसने के लिए किया जाता है चक्कियों वगैरह का, मुसल का कूटने के लिए, कुछ भी सामान कूटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हड़प्पाकालीन चित्रकारी वाले बर्तनों के टुकड़े भी यहाँ से मिले हैं। बर्तनों पर जो चित्रकारी रंग है बर्तनों का, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये किस पीरियड के प्रमाण है। बर्तनों के रंग वगैरह देखकर हड़प्पा सभ्यता स्थल है एक मांडी, ये भारत के किस राज्य में है, कौन से राज्य में मिला है मांडा। मांडी, अभी मांडा की बात हो रही थी, मांडा कहाँ पर है, अखनूर जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी बिंदु है। लेकिन मांडी जो स्थल है ये एग्जाम्स में पूछा हुआ है प्रश्न है, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर, जो सबसे पूर्वी स्थल है और ये सबसे उत्तरी स्थल है, मांडा सबसे उत्तरी स्थल है। सूची वन का सूची दो से सही मिलान करें, हड़प्पा स्थल दे रखे हैं और ये पूछ रखा है कि ये कौन से राज्य में है, तो इसका मिलान हमें करना है। तो मांडा का तो सबसे इजी इसी वीडियो में है, तो इसका तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उल्लास जो स्थल है ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, उल्लास उत्तर प्रदेश में है, मांडी उत्तर प्रदेश में है और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और जो पादरी बालू जो स्थान है ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, बालू हरियाणा में है। और जो पादरी जो स्थान है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं आप इनका। आगे भी हड़प्पा स्थल व ये भी UPSC के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हड़प्पा स्थल व उनका मिलान करना है, ये बहुत ईजी रहेगा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहाँ पर है, दाइमाबाद से संबंधित वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, ये सबसे दक्षिणी स्थल है। कहाँ पर है ये, अहमदनगर महाराष्ट्र में है, ये इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में इसका दाइमाबाद महाराष्ट्र से जुड़ गया। कालीबंगा कहाँ पर है, इससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, राजस्थान में है। राखी गढ़ी का वीडियो आने वाला है, ये हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पर है, ये हिसार के पास हिसार में है राखी गढ़ी। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही आंसर का उसका आंसर दीजिए। तो ये दोनों के दोनों कथन सही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ इससे कि नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये JKSSB के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्न कथनों में से पढ़िए और सही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्खनन ने इस तथ्य को स्थापित किया है कि अखनूर हड़प्पा सभ्यता और मांडा के अंतिम गढ़ों में से एक था। तो अखनूर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको जैसे कि आपको बताया था, अखनूर को जम्मू का एकमात्र प्रारंभिक बौद्ध स्थल माना जाता है। इसको प्रारंभिक बौद्ध स्थल माना जाता है, खुदाई में स्तूप और बौद्ध भूभाग के अवशेष यहाँ से मिले हैं, स्तूप और बौद्ध भूभाग के अवशेष इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मांडा सिंधु सभ्यता का खाली स्थान स्थल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, चार ऑप्शन है आपके लिए। तो ये इसका सबसे उत्तरी सबसे नॉर्थ का स्थान है मांडा सिंधु सभ्यता का, सबसे दक्षिणी स्थान ये पूरी टेबल बना रखी है और हर एक स्थान से संबंधित अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है।
तो सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? दाइमाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर है? गोदावरी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर है दाइमाबाद। आलमगीरपुर कौन सा है? सबसे पूर्वी स्थल है। कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश, मेरठ जिला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर है ये, हिंडन नदी के तट पर है। और मांडा अखनूर, इस वीडियो में आपको बताया, अखनूर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। और सूतकागेंडोर, ये सबसे पश्चिमी स्थल है, इसका सबसे पश्चिमी पॉइंट है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर। बलूचिस्तान राज्य में है ये, बलूचिस्तान प्रांत में है। बाकी ये जिलों के नाम है अखनूर, अहमदनगर और मेरठ। सरतुगई एक स्थान है अफगानिस्तान में, इससे संबंधित क्वेश्चनों का वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट। और भी स्थल हैं, रंगपुर का वीडियो भी जल्दी मिल जाएगा, 14 वन लाइनर्स का। और कौन सा स्थल है ये आलमगीरपुर का वीडियो है, इससे संबंधित 13 प्रश्नों का, तो ये भी आपको जल्दी मिल जाएगा, इसमें अच्छे से समझाया मैंने। एक क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का कि सुरकोट दा जो स्थल है वो किस राज्य में है, सुरकोट दा किस राज्य में है, और रोपड़ का पुराना नाम क्या है, वर्तमान नाम या रोपड़ का, सॉरी फ्रेंड्स, रूपनगर इसका वर्तमान में, रूपनगर नाम से भी इसको जाना जाता है रोपड़ को, लेकिन रोपड़ किस राज्य में है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पुरातन रिसोर्ट दाइमाबाद किस नदी के तट पर है, दाइमाबाद किस नदी के तट पर है, दाइमाबाद दाइमाबाद एक ही बात है, महाराष्ट्र में है ये, चार ऑप्शन हैं आपके लिए। गोदावरी की सहायक नदी है, इस नदी का इंट दे देता हूँ, गोदावरी की सहायक नदी है ये। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।